हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपका सेमेस्टर 5 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इस सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। इसमें देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स यानी पिछले साल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप BBMK यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो मैं डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हर एक 2 साल बाद बाद क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें और अच्छी तरह से पढ़ें। और मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ 2019 का पेपर, देन अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 का पेपर यानी कोर 11 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग कोर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे, 2019 का पेपर एंड 2020 का पेपर। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को जाने से पहले सबसे पहला आपको एग्जाम में करना क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखा कि पढ़ते तो नहीं है पर क्या करते हैं, वह 4 क्वेश्चन की जगह 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरह से उनका टाइम निकल चुका था। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला कंडीशन क्या है, लिखा है क्या है कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी आपको प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें आपको हर हाल में आपको लिखना है। उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन करना है, चाहे वह लॉन्ग का हो चाहे वह शॉर्ट का हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक किनके द्वारा लिखी गई है। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन है ना बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं ये पोर्शन, ये स्लॉट, ये वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में आसानी प्रकट हो सके। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, आपके सामने 4 विकल्प दिए रहेंगे और इनका जो सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्लूटो। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उदारवाद के जनक किनको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी जॉन लॉक, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देन अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ सकारात्मक राज्य का विचार किसने दिया था। तो इनका ऑप्शन है आपके सामने 4, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। और कोई कैंडिडेट अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो मेरे वीडियो को आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो आने वाला सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 से लेकर सेमेस्टर 6 में हम लोग किस तरह से पढ़ें कि हम लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हो सके। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट अभी के ज़माने में सेकंड डिवीजन का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपको फर्स्ट डिवीजन अगर लाना है तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा अंत तक देखें। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता किस शब्द से लिया गया है। जो संप्रभुता है वह किस शब्द से लिया गया है, तो याद रखिएगा सुपरनेस, ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवादी पूंजीवादी का अंतिम चरण है। जो साम्राज्यवाद है वह पूंजीवादी का अंतिम चरण है, किसने कहा था। तो याद रखिएगा इनका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनका बिल्कुल सही उत्तर होगा वाई लेनिन। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन अराजकता नहीं है। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार पाएगा, किसने किससे संबंधित है। याद रखिएगा अगर आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक पढ़ रहे होंगे, चाहे वो PG का हो चाहे वो UG का हो, तो माय डियर स्टूडेंट एक बात आप लोग कान खोलकर सुन के रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपको हर हाल में 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि यह कथन किसने कहा था, चाहे वो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 का ही क्यों ना क्वेश्चन हो, आपको हर हाल में 2 स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। और स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेंगे, तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से ढंग से पढ़ते हैं तो आपको मिलेंगे वहाँ पर। क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को ना आपको गेस पेपर में मिलेंगे, ना ही आपको जो हम लोग निकालते हैं क्या गेस पेपर, शर्मा गेस पेपर, वर्मा गेस पेपर, इसमें आपको नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन जब हम लोग चलते हैं तो अगला क्वेश्चन पर पाते हैं क्या कि 9 उदारवाद किनके साथ संबंधित नहीं है। तो इनका भी जो सही उत्तर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्योंकि मुझे तो सब एक आंसर पता है पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी भी स्टूडेंट को पता ना हो तो माय डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे क्वेश्चन नंबर इतना का आंसर चाहिए, मैं उनके लिए आंसर प्रोवाइड करूँगा। लोक संप्रभुता का विचार किसने दिया था। जो लोक है संप्रभुता का विचार
2000 किसने दिया था, तो याद रखिएगा रूसो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन में बाद में पढ़ूँ, सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। सेमेस्टर वन से लेकर सेमेस्टर सिक्स, चाहे वह पी जी का हो चाहे यू जी का हो, आपसे एक से दो क्वेश्चन पुस्तक यानी राइटर्स पूछे जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे तो राइटर के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। अगर राइटर के बारे में अच्छी तरह से पता ना हो तो याद रखिएगा आप दो क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप सही से क्लिक करते हैं, सही से क्वेश्चन पेपर को सही करते हैं, तो एग्जामिनर जो होते हैं इन्हीं को देखकर पता चल जाता है कि स्टूडेंट कितना पढ़ा लिखा है और कितना नहीं पढ़ा है। तो जो क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन किनके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करने से पहले माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, जो शायद ही आज आप लोग सुनकर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन में पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म मिसाइल क्लासेस की ओर एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला आप लोग कंडीशन को फॉलो करें। लिखा हुआ है क्या कि जो ऑल यूनिवर्सिटी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले ऑल यूनिवर्सिटी, चाहे वह यूनिवर्सिटी बी बी एम के यू का हो, चाहे वह बी बी यू यानी विनोद बिहारी महतो का यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह सिद्धू कान यूनिवर्सिटी हो, यानी झारखंड में आपके जितना भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए एक कंटेंट है। क्या करना है, सबसे पहला कंडीशन लिखा है आवर फैकल्टीज, यानी आप जो फैसिलिटी है आपकी जो सुविधाएं हो वो क्या क्या है। ये ऑनलाइन क्लास होंगे, बेस्ट कंटेंट होंगे, पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और डाउट क्लासेस, एंड देन अगला है मिनिमम फी, यानी ये फॉलो करना है आप लोगों को, यानी मिनिमम से मिनिमम फी आपको दिए जाएंगे। और याद रखिएगा कि जो ऑफलाइन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टाइम नहीं दे पाते हैं अपने स्टडी पर, तो उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ऑफलाइन का हो चाहे वो ऑनलाइन का हो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग गौर करें, इस बात में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक सेमेस्टर यानी एक सेमेस्टर वन से लेकर सेमेस्टर सिक्स के हर एक कैंडिडेट तक ये वीडियो बिल्कुल पहुँचाए। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहली बार मिसाइल क्लासेस की ओर से ये ला रहे हैं। लिखा है क्या, ऑनलाइन क्लास होंगी, जो आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उसका क्लास अभी ऑनलाइन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाएगा। ऑनर्स पेपर के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पॉलिटिकल ऑनर्स पेपर है, इंग्लिश ऑनर्स पेपर, हिस्ट्री, एंड देन हम लोग जियोग्राफी, यानी चार ही ऑनर्स पेपर के बारे में अलग अलग टीचर होंगे, अलग अलग फैकल्टीज होंगे, जो आपको इतना अच्छा से कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इससे बेटर आपको ऑफलाइन में कभी नहीं मिल सकेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ऑनलाइन के ज़माने में अभी ऑफलाइन आप कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो आपको घर से जाना पड़ रहा होगा, उसमें आपको टाइम की बचत होगी, और आप मान लेते हैं कि आप 6 महीना पढ़ते हैं, 6 महीना पढ़ाई करते तब जाके एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाते हैं, तो 6 महीना अगर पढ़ाई करते हैं तो मिनिमम मैं फ्री बता रहा हूँ कि अगर आप 300 करके आप पे कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मल्टीपल करने आता है, 6 को 3 से मल्टीपल करेंगे यानी 1800 रुपया आपको हर सेमेस्टर में देना पड़ता है ऑफलाइन में। आपको करना क्या है, इस ऑफलाइन को हम लोग ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, और इस प्लेटफॉर्म को हम लोग आगे ऑनलाइन में इंक्रीज करना चाह रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट कम से कम फी में अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले 499 रुपया पे करना है, और ये वीडियो सिर्फ आप ही तक पहुँचा जाएगा, यानी जो पैसा पे करेंगे, और इतना बेटर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट, इससे बेटर आपको ऑफलाइन में कभी ना पढ़े ना जिंदगी में कभी पढ़ पाएंगे। अगर आपको लगा, आप पढ़ने के बाद थोड़ा सा लगेंगे कि नहीं सर मुझे ऑफलाइन ही ठीक था, तो याद रखिए ये जो 499 रुपया है, 499 रुपया को आप 4 से मल्टीपल करेंगे तो 2000 का करीब होंगे, आपको 2000 रुपया मैं वापस कर दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, आप लोग नोट करके रखिए, मैं 4 गुना पैसा आपको वापस कर दूंगा। पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है कि लोगों आज के दौर पे जो स्टूडेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं माय डियर स्टूडेंट, ऐसा भी है कि जो पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं और समय नहीं दे पाते हैं ट्यूशन के लिए, तो इनके लिए एक बेस्ट कंटेंट है। इनके लिए क्या है कि आप किसी भी टाइम अपना वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो 499 रुपया फी पे कर पाएंगे। अब आज के ज़माने में देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है इन स्टूडेंट के लाइफ में हो या ह्यूमन बींग के लाइफ में हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि
टाइम। आप आज के ज़माने में आपको टाइम बचाना है, क्योंकि दुनिया का हर एक चीज़ आपके ऑनलाइन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं ऑल यूनिवर्सिटी का, कोई भी ऑनर्स पेपर हो, हमें तो ट्यूशन करना ही पड़ता है, क्योंकि आज के ज़माने में सेकंड डिवीज़न मायने नहीं रखता है, और फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए आपको थोड़ा सा तो ट्यूशन करना ही पड़ता है। तो 1800 रुपया की जगह पर आपको 499 रुपया में आपको इतना बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे अच्छा आपको ऑफलाइन में कभी नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पहली बार मिसाइल क्लासेस की ओर ये स्टार्ट किए जा रहे हैं, चाहे वह सेमेस्टर वन का हो, चाहे सेमेस्टर टू, सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर फोर, सेमेस्टर फाइव एंड देन सेमेस्टर सिक्स, किसी भी सेमेस्टर का हो। और ऑनर्स पेपर सिर्फ चार ही है, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड हिस्ट्री, देन आपका जियोग्राफी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और किसी को भी अगर ज़्यादा से और इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करें 9122888 और देन 60, 9122888 60। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप लोग कॉल करें, ये हमारी ऑफिस का नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपको लिखना है कि किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दें। चार प्रश्न दिए गए हैं और उसमें से आपको दो प्रश्न लिखना है। दो प्रश्न में आपको करना क्या है, पहला लिखना है कि राष्ट्रीयवाद एवं देशभक्ति, प्रजातांत्रिक समाजवाद, नव उदारवाद, अराजकतावाद। देन अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। आ लॉन्ग क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होते हैं, तो आप लोग खास करके गौर करें। राजनीतिक विचारधारा की परिभाषा दें तथा इसके लक्षणों की व्याख्या करें। देन अगला क्वेश्चन है साम्यवादी की विचारधारा की आलोचनात्मक विवेचना करें। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी एक अराजकतावादी थे, समीक्षा करें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और याद रखिए जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 7 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 का ही उत्तर करना है, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के है। अगला क्वेश्चन है उदारवाद के मुख्य लक्षणों की विवेचना करें तथा उसके गुणों और दोषों की समीक्षा करें। समाजवादी अवस्था, पूंजीवादी एवं साम्यवाद के बीच एक अवस्था विवेचना करें। देन अगला है उदारवाद एवं न उदारवाद में अंतर स्पष्ट करें। और सबसे लास्ट में आपके लिखना है प्रजातांत्रिक समाजवाद के मुख्य उद्देश्य की आलोचनात्मक विवेचना करें। फ्रेंड्स, जो मैं अभी आप लोग को बताने वाला था, जो बताएं अभी, वो कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, चाहे वह हिंदी मीडियम के हो, चाहे वह इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कस किए कोर पेपर 11 और 2019 के प्रीवियस इसके क्वेश्चन को हम लोग देखें, और इसी तरह से मैं आपको दिखाने वाला हूं अगला वीडियो में कि जो 2020 में एग्जाम हुआ था सेमेस्टर 5 का कोर पेपर 11 का, क्या सच में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था या उससे अलग थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।